जनता इस वक्त तय कर चुकी है नो वोट टू बीजेपी। कर्नाटका से बीजेपी का सफाया कर दिया जाएगा। बीजेपी गवर्नमेंट की जो नीति है ये बीजेपी का राज किसानों के लिए नाश और जनता के लिए सर्वनाश बन गया है। नंदिनी का शायद बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, इंडिया का सेकेंड बिगेस्ट मिल्क फेडरेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कर्नाटका के किसानों के साथ कर्नाटका के जनता के 50 साल की मेहनत खत्म करने का जो प्लान करके काम कर रही है, इसको ये डर नहीं है कि जनता यहाँ पे इसको इलेक्शन हराएगी। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय अल शरई पीयू कॉलेज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, एमएसके मिल रोड, अल शरई पीयू कॉलेज फॉर गर्ल, मिजगोरी रोड, गुलबर्गा गर्ल्स पीयू कॉलेज, बसवेश्वर कॉलोनी, अल शरई बीएससी डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स, यदुला कॉलोनी एंड हैप्पी डेज प्ले स्कूल, ओल्ड जेवरगी रोड। अभी जो आज कर्नाटका प्रांत रईत संघ और आईडवा जनवादी महिला संगठन जो आज गुलबर्गा डीसी ऑफिस पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये द रीजन फॉर द प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन, ये जो नंदिनी जो कर्नाटका मिल्क फेडरेशन को जो अमूल के साथ मर्ज करने का जो बीजेपी का एक एजेंडा बन के एक पॉलिसी बन के जो काम हो रहा है, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट, और प्लस जो फर्टिलाइज़र का जो प्राइस राइज किया गया है। अब आप देखिए, किसान के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे तो कोई कीमत प्राइस राइज का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए किसान को अनाज उगाने के लिए, तरकारी उगाने के लिए जो फर्टिलाइज़र्स या सीड्स लगते हैं उसकी कीमत लगातार बढ़ रही है, उसके ऊपर टैक्सेशन लगातार बढ़ रहा है, किसान को इसकी मार तो बराबर झेलनी पड़ रही है, लेकिन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं इनकी कीमत में कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसा कानून आज तक गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार नहीं है। और उसी के साथ साथ जो कर्नाटका के जनता की और कर्नाटका के किसानों की जो 50 साल की मेहनत से खड़ा किया गया एक बिजनेस फेडरेशन, एक जो सेटअप है कर्नाटका मिल्क फेडरेशन जिसे हम नंदिनी के नाम से जानते हैं, आज वो 50 साल की कर्नाटका के जनता की मेहनत को ख़त्म कर एक गुजराती कंपनी के हवाले करने की जो राजनीति बनाई है बीजेपी गवर्नमेंट, इसके अगेंस्ट आज कर्नाटका प्रांत रईत संघ और आईडवा जो जनवादी महिला संगठन है हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रोटेस्ट अरेंज किया, डेमोन्स्ट्रेशन किया है यहाँ पर। जैसे कि अभी आपको जनवादी महिला संगठन के स्टेट प्रेसिडेंट कॉमरेड मीनाक्षी बाड़े मैडम ने तफसीली बताया कि जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट की जो हरकत चली है, बीजेपी गवर्नमेंट की जो नीति है ये बीजेपी का राज किसानों के लिए नाश और जनता के लिए सर्वनाश बन गया है। आज इतनी बेशरम और बेहया हो गई है ये गवर्नमेंट कि इलेक्शन के वक्त भी ज़रा सा इसको ख्याल नहीं है कि भाई जनता के साथ इस तरीके से कर्नाटका के किसानों के साथ कर्नाटका के जनता के 50 साल की मेहनत ख़त्म करने का जो प्लान करके काम कर रही है, इसको ये डर नहीं है कि जनता यहाँ पे इसको इलेक्शन हराएगी। मतलब इसको इलेक्शनों का भी डर उड़ चुका है। आज इतना इस तरीके से ये गवर्नमेंट आंग को उड़ चुकी है, इसको इतना खौफ ख़त्म हो चुका है जनता का कि ये सोच रही है कि डेमोक्रेसी नहीं है, अभी यहाँ पे जो है तानाशाही चली गई है। और ये बीजेपी की जो तानाशाही हुकूमत है, हम इसको यहाँ से कह रहे हैं, कर्नाटका के किसानों के साथ कर्नाटका के जनता के 50 साल की मेहनत ख़त्म करने का प्लान किया है, इसको फौरन रोक दे। मैं एक बात बताता चलूँ यहाँ पे, नंदिनी का शायद बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, इंडिया का सेकेंड बिगेस्ट मिल्क फेडरेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसका नंदिनी का सालाना 21,000 करोड़ का टर्नओवर है। आप सोच सकते हैं नंदिनी का सालाना 21,000 करोड़ का टर्नओवर, ये बात बताता है कि कर्नाटका की जनता कितना मेहनत से कर्नाटका मिल्क फेडरेशन को, नंदिनी को खड़ा करी हुई है। आज ये मेहनत पूरी जनता की ख़त्म कर एक गुजराती कंपनी को जो हवाले करने का षड्यंत्र बनाया है, तो ये हमारे किसानों के साथ धोखा है, हमारी जनता के साथ धोखा है। और यहाँ पे जो किसानों को कुछ फ़ायदा पहुँचता है नंदिनी के ज़रिए, अब वो किसानों को फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जो जनता को इसका मार झेलना पड़ेगा, नंदिनी का टोंड मिल्क जो मिलता है पर लीटर, प्रति लीटर 39 रुपीज़ पर लीटर मिलता है, और वही अमूल का जो सेम क्वालिटी का मिल्क मिलता है 52 रुपीज़ पर लीटर मिलता है, तो ये मार जनता को भी झेलना है, प्लस किसान तो ख़त्म हो जाएंगे,
जो कृषि कुलीकार हैं, जो लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर हैं, जो डेयरी फार्मिंग के जरिए कुछ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, आज उनका भी नुकसान हो जाएगा, जनता भी जाएगी, जो हमारी 50 साल की कर्नाटका के जनता की मेहनत है, कर्नाटका मिल्क फेडरेशन नंदिनी, वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये सारों का जो षड्यंत्र बनाकर ख़त्म करने का जो बीजेपी राजनीति करी है, इसके लिए हम यहाँ से कह रहे हैं, जनता इस वक्त तय कर चुकी है, नो ओट टू बीजेपी, कर्नाटका से बीजेपी का सफाया कर दिया जाएगा। जिस तरीके से षड्यंत्र कर दो गुजराती हुकूमत चला रहे हैं और दो गुजराती लूट रहे हैं, जिस तरीके से अनुदति राय ने जो कहा था, आज ये बात सही साबित हो रही है। जो कर्नाटका का 21,000 करोड़ का जो एक मेहनत से एम्पायर खड़ा किया गया है नंदिनी, उसको ख़त्म करने की जो राजनीति है, हम इसकी मुखालिफत करते हैं और चेतावनी देते हैं बीजेपी गवर्नमेंट को, ये जो अमूल के साथ नंदिनी को मर्ज करने का जो षड्यंत्र किया है, इसे फौरन रोके, नहीं तो कर्नाटका से अपनी सफाया का तैयारी कर ले। थैंक यू।